नमस्कार आप सभी को, मैं गुमसोंग लगांग आप सभी को अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करता हूं। आज हम है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जो कि आज यहां पे इलेक्शन काउंटिंग, वोट काउंटिंग चल रहे हैं। और मैं बता देना चाहूंगा आप सभी को कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग इसी जगह पे हो रहा है, जो कि मेरा पीछे आप बिल्डिंग सारा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी दौरान और एक चीज़ बता देना चाहूँगा, ये बिल्डिंग बहुत ही छोटा पड़ गया है, इस कारण से यहाँ पे बहुत ही सुंदर से कोशिश किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, और काउंटिंग सुंदर से हुआ भी है, लेकिन थोड़ा कम्पैक्ट होने के कारण से यहाँ पे लोग थोड़ा आना जाना में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो इसी कारण से आने वाले नेक्स्ट चुनाव के पहले अगर यहाँ कोई बैंक्वेट हॉल बन जाता है तो ये बहुत अच्छा बात होगा हमारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के लिए। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहूँगा, चलिए आज हम बात करते हैं जिन्हें भी विधायक हैं, विधायक बन गए हैं, जो कि उम्मीदवार के रूप में वे खड़ा होकर यहाँ में बैठा हुआ था और काउंटिंग प्रोसेस पे बैठ रहे थे, वो अभी निकल के आ रहे हैं वन बाय वन। तो चलिए हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और उनके अनुभव हम जानेंगे। आइए, हमारे साथ हैं जो कि पूर्व विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कमलुंग मोसंग जी। तो अभी जस्ट सर का डिक्लेरेशन हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के ओर से, बीजेपी के ओर से, जो मियाओ कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार के रूप में उतरे थे, तो अभी सफलता होकर नीचे आए हुए हैं, जो डिक्लेयर हो चुका है। तो सर, सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारा अरुणाचल टुडे टीम के ओर से, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो अभी जीतने के बाद सर, आप जो आपको सपोर्ट किए हैं लोगों को, कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर, कहना चाहेंगे? मेरा तरफ से तो आज का समय खुशी का दिन है, तो मेरा तरफ से मैसेज तो यही जाएगा, पर्टिकुलरली 450 मियाओ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पब्लिक ने, लोगों ने मेरा ऊपर त्रास किया, विश्वास किया, फॉर फिफ्थ कंजिक्यूटिव टाइम के लिए हमको फिर असेंबली में भेजा। तो जो पब्लिक का विश्वास है, ट्रस्ट है, उसको पूरा करने के लिए कोशिश करूँगा सर। और इसी दौरान एक आखिरी क्वेश्चन मेरे ओर से पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि उस समय यहाँ पे आपका एक ओपोनेंट था, तो आप कभी कभी आगे गया, कभी उनका आगे गया, तो उस समय सर आपका मन का अनुभव क्या था, मतलब कैसा फील हो रहा था सब, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। नहीं, हमारा अपना असेसमेंट था, नमचिक से लेकर के विजयनगर तक हमारा 4 सर्कल मियाओ एंड विजयनगर में हमारा लीड होगा, वो सबको पता था, इसलिए वी वर कॉन्फिडेंट। जी सर, और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 विधायक का सीट होता है, तो जैसे कि यहाँ पे 3 तो भारतीय जनता पार्टी ने सफल किया है और 2 जो अभी लूज किया लेकर सुनने में आए, तो सर इसका ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग एक्सपेक्ट किया था कि पूरा 5 का 5 भारतीय जनता पार्टी निकलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 49 और 51 दो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में हमारा पार्टी हार गया। तो वो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक जैसा सोचा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे से जुड़ने के लिए। नमस्कार आप सभी को, अरुणाचल टुडे में स्वागत करता हूँ। अभी हम हैं चांगलांग हेडक्वार्टर में, जो कि अभी अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, चांगलांग के नॉर्थ और साउथ दोनों से ही बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वे विजेता घोषित कर दिया गया है। तो हमारे साथ है अभी तेसम पोंगते सर, जो कि अभी अभी इनको भी आरओ का तरफ से डिक्लेयर कर चुका है कि विजेता बन चुका है। तो सर, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारा अरुणाचल टुडे टीम की तरफ से। थैंक यू आपको, अरुणाचल टुडे का टीम को। और मैं जीतने का बाद, ये 8 लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतने का बाद आज पहली बार आप लोगों से संपर्क हो रहा है, तो मैं जितना भी जनता है, खास करके मेरा 53rd चांगलांग नॉर्थ का वासियों को और पूरा अरुणाचल प्रदेश का वासियों को और पूरा मेरा देश का वासियों को मैं सलाम करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों का वजह से आज मैं यहाँ में विजय बना करके आया हूँ। और जी सर, सर इसी दौरान एक क्वेश्चन रखता हूँ सर, जैसे कि उस समय जब काउंटिंग हो रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था, कैसा महसूस हो रहा था जब काउंटिंग हो रहा था? वो देखिए, वो तो आप भी महसूस करता होगा, लेकिन ऐसा मेरा नहीं था, क्योंकि फर्स्ट राउंड से मेरा लीडिंग था, तो टिल लास्ट राउंड में मेरा लीडिंग चल रहा था। तो और मेरा एक विश्वास था, क्योंकि मैं अपना कर्म में मैं विश्वास करता हूँ, तो मेरा ये मानना है कर्म ही धर्म है। तो मैं जो पिछला 10 साल में काम करके आया, तो उसका नतीजा है। तो आज हमको मेरा पब्लिक ने 2002 यानी कि 2002
मार्जिन से मेरे को जिताया, तो ये मेरा विश्वास था पहले से, तो ऐसा कुछ मेरे को महसूस नहीं हो रहा था सर। तो लास्ट पब्लिक को सर आपके दिल से कुछ कहना चाहेंगे? मैं वंस अगेन पब्लिक को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों का वजह से, आप लोगों का विश्वास को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आपने जो हमको विश्वास रखा, मैं काम करके आपके लिए मैं आने वाला 5 साल फिर आपके लिए करूँगा। मैं चांगलांग को डेवलप करने के लिए, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए, ऐसे होल हमारा प्रदेश को डेवलप करने के लिए, और ऐसे होल हमारा कंट्री को, मेरा नेशन को डेवलप करने के लिए काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं अपना अलमैटी गॉड रंग फ्रासिम में यही नमस्कार करता हूँ कि हम लोग का यात्रा जो अच्छा हो, और मेरा दोस्त यहाँ पर है हमजोंग तंहाजी, उनको भी मेरा तरफ से बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। ये इनका पहली बार है तो उनका भी अच्छा मार्जिन से हुआ, तो मैं उनके लिए भी बहुत थैंक्स देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। धन्यवाद सर। सर जो नया विधायक बना है इस बार, सर से भी हम जानने के लिए प्रयास करेंगे, जो कि हमजोंग तंहाजी है। तो इस बार पहली बार विधायक बना है, आज डिक्लेयर हो चुका है, तो सर आपका सबसे पहले आपका मन में जो है वो पब्लिक को थोड़ा बता दीजिए। और थैंक यू मैंने ऑनर टू टुडे। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव वन इलेक्शंस आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 25 इयर्स। तो वही है कि मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द पीपल ऑफ 52 चांगलांग साउथ असेंबली कंस्टिट्यूंसी दैट दे हैव पुट देयर फेथ अपॉन मी, एंड सो आई वॉन द इलेक्शंस विद अ मार्जिन ऑफ 1500 राउंड्स। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द पीपल ऑफ माई कंस्टिट्यूंसी एंड टू द पीपल ऑफ द स्टेट एस ए होल ऑल्सो। एंड माई कमिटमेंट इज टू वर्क हार्ड to fulfill the commitments that I had given to the people of my constituency during the campaigns, and I am confident that I shall fulfill the commitment up to some extent. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you। तो जैसे कि आप सभी को हम लोग दिखा रहे थे, ये चौथा विधायक अभी जो आपके सामने हम लेके आए हैं, ये है जो कि इंडिपेंडेंट विधायक के तौर पे उम्मीदवार के रूप पे खड़ा उतरे थे और आज यहाँ पे विजेता होके निकले हैं। अभी हेडक्वार्टर डीसी ऑफिस के सामने हेडक्वार्टर में है। तो सर आपको सबसे पहले तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश टीम की ओर से एक बहुत बड़ा कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इसी के साथ साथ जो जो आपको वोट दे के आज जिताया है, विधायक दोबारा बनाया है, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरे लिए ये जीत बहुत ही हिस्टोरिक है और यादगार है। थोड़ा इमोशनल हो गए क्योंकि इस बार का इलेक्शन बहुत ही अलग था। डिस्पाइट पार्टी ने मुझे टिकट डिनाई किया, पीपल हैज नॉट लेफ्ट मी। लोग ने मुझे इतना प्यार दिया। आज हमारे लोग ने जताया कि डेमोक्रेसी में पीपल्स का पावर क्या है, इसमें कोई सरकार पार्टी कोई भेदभाव नहीं देखा है। मगर मुझे एज एन इंडिविजुअल लाइसाम सिमाय को हमारे लोगों ने चुना है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय पीपल ऑफ 51 नामपोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड दिस इज देयर विक्ट्री, एंड आई डेडिकेट द विक्ट्री टू ऑल माय पीपल। थैंक यू सर। इसी दौरान और एक क्वेश्चन रखना चाहेंगे सर, जैसे कि लास्ट टाइम भी आपका जब वेलकम हुआ था, मैंने ही आपका एक न्यूज़ बनाया था, तो सर उसी दौरान ये क्वेश्चन था कि बीजेपी टिकट आपको नहीं दिया गया, लेकिन भी आप इतना मतलब कॉन्फिडेंट के साथ पे था कि मतलब जीतेगा बोल के, और आज आपने जीत के भी दिखाया। तो ये श्रेय खास करके किस को जाता है? आपके जो कार्यकर्ता है, लोगों जैसे कि पब्लिक है, लोकल पब्लिक है, ये आपके घर वाले, किसको श्रेय जाते हैं इसमें? देखिए, जीत सभी का योगदान है। सबसे पहले तो मैं अपना ईश्वर को, जो हमको कुशल पूर्वक रखा है, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सेकेंडली अपना जितना भी परिवार मेंबर्स है जिन्होंने मेरा थिक एंड थिन समय में साथ दिया है, और थर्डली ऑल द सपोर्टर्स, वीमेन बोलिए, यूथ बोलिए, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता से, सीनियर लीडर्स हैं, सभी लोग ने जैसा भी इस बार आपको जिताना है ये ठान लिया है और आज करके दिखाया। तो ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल माई सपोर्टर्स एंड
the people of Itwan Nampong Assembly constituency, particularly Indian Independent Party के जितने भी supporters हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और all the credit goes to them. So last but not the least, sir, जैसे कि जब कभी आपके opposition का पल्लाबारी हो रहा था, काउंटिंग में ज़्यादा नंबर आ रहा था, कभी आपका नंबर ज़्यादा आ रहा था, तो उसी समय सर आपका मतलब अनुभव क्या था, मतलब फीलिंग्स क्या हो रहा था, आप क्या सोच रहे थे सर? सही में ये इस बार का जो चुनाव जो है, सभी ने बोला था फिर नामपोंग जो बहुत क्लोज है, सचमुच ये बहुत क्लोज हुआ है. मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने कम्फर्टेबली जीतेगा सोचा था, मगर बीजेपी ने भी अच्छा फाइट दिया है. जो भी हमारे बीजेपी के कैंडिडेट है और कांग्रेस के कैंडिडेट दोनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. ये डेमोक्रेसी में ये फ्रेंडली फाइट था और लोग ने मुझे चुना है. जहाँ तक थोड़ा आगे पीछे का सवाल है, ट्रेलिंग एंड लीडिंग तो होता है, तो लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट था क्योंकि जैसे ही बीजेपी का लीड कम हो गया, 09 में आ गया, तो हमारा एक पोलिंग स्टेशन बाकी था क्योंकि वो पोलिंग स्टेशन हमारा बहुत अच्छा हॉल था, तो उसी से ही डिसाइडिंग हुआ है. और सचमुच हम लोग ने दो वेरी क्लोजली 68 मार्जिन से हम लोग जीते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. फिर से एक बार कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. तो जैसे कि मैं आप सभी को दिखा रहा था जो कि चार कैंडिडेट जो दिख चुका है और ये है पांचवा जो कि 5 नंबर्स में जो अभी निकाल के आए हैं और विजेता बन के आए हैं. एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पे बोर्डुमसा दायन के ओर से उठा था जो अभी यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओके विजेता हो क्या है, तो सर से हम जानने के लिए प्रयास करेंगे. सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप दोबारा से बोर्डुमसा में सेकेंड टाइम विधायक बना है. सर मैं तो बोर्डुमसा का जितना भी पब्लिक है, माता पिता भाई बहन सभी को मेरा वेल विशर को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ क्योंकि ये जीत मेरा नहीं उनका है. वो पब्लिक ही जीता है, कोई एमएलए तो जीतता नहीं है लेकिन नाम हम लोग होता है. तो इसलिए मैं जितना भी दायन बोर्डुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग है, पब्लिक है, जितना भी मेरा उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, विश करता हूँ कि आने वाला दिन अच्छा होना चाहिए. तो सर और सारे साल में ये एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा सर, जब आपका फर्स्ट यहाँ पे आपने लीड किया था उस समय से लेके लास्ट तक आपका मतलब अनुभव क्या था, मतलब क्या फीलिंग्स था सर? देखिए पब्लिक तो हमेशा अच्छा होता है क्योंकि अगर कुछ बीच में रुक गया तो शायद मेरा ही गलती होगा, पब्लिक तो गलती होगा नहीं है, तो मेरा गलती होगा. इसलिए पब्लिक ने हमको सबक सिखाया 19 को, तुम फिर थोड़ा सा सुधरो, तो मैं सुधर के आया. वो लोग भी बोला है कैसे ठीक है तो इस बार तुमको फिर बनाएगा. सर यहाँ पे जब काउंटिंग चल रहा था तब सर मतलब आपका कभी फर्स्ट में जब आप एक नंबर जब बैलेट बॉक्स खोला था आपने लीड किया है सर, तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपने लीड किया है, तो जब आप लीड कर रहे थे तो सर आपका मतलब फर्स्ट टाइम जब लीड हुआ था फर्स्ट बैलेट बॉक्स में तो आपका अनुभव कैसा था, मतलब फीलिंग्स क्या था सर? ऐसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमको मालूम था जीतेगा, पब्लिक सब उधर खड़ा है कि मालिक उधर खड़ा है ना, एक साथ हम लोग रहता है, तो मालिक नहीं होने से तो थोड़ा अफसोस होगा. मालिक मेरा पास था, मालिक दिया है तो कौन रोक सकता है. तो सर बात लास्ट ऑफ द लिस्ट, अभी सर वापस जाके बोर्डुमसा के लोगों को आप किस प्रकार से संबोधित करने वाले हैं? वो तो जैसे पब्लिक चाहेगा ऐसे हम संबोधित करेगा कि मेरा चाहने से नहीं होगा क्योंकि मैं अपना हिसाब से नहीं करता हूँ. मैं इस बार 3 बार हो गया विधायक बना, जब भी बनता हूँ तो मैं पब्लिक क्या कहता है उसको मैं करता हूँ. तो उसमें क्योंकि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा ये 6th टाइम हो गया, 3 बार जीता 3 बार हारा, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस बार से और हारेगा नहीं. पब्लिक बेटो बोलने से भी हम नहीं बैठेगा, उस रफ्तार से काम करेगा. जी बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन वंस अगेन सर. थैंक यू थैंक यू. ठीक है सर, हो रहे हैं ना वहाँ में भी प्रोग्राम हो रहे हैं, मत पाए. तो जैसे कि कंटिन्यू हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बहुत सारे विधायक जो सफलतापूर्वक अभी निकले हैं उनसे भी हम बात किए हैं. तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी जो कि देश का सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके प्रेसिडेंट चंगलांग डिस्ट्रिक्ट का हमारे साथ है. तो सर आपसे भी ये जानने के लिए कोशिश करेंगे सर, जैसे कि आपसे भी वही क्वेश्चन कि 5 विधायक का सिर होता है तो 3 ही जीत पाए हैं, 2 लॉस हो गया, तो क्या में कमी रह गया होगा, ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए कमी जो आप बोल रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, ये आप उंगली लगा के इसको आप नहीं बोल सकते कि यही गलती हुई है हमारे तरफ. विश्व भारती नर्सिंग कॉलेज बेंगलोर,
एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024-25. JNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, D-Pharm, B-Pharm, अमदी, BPT की एडमिशन हो जुड़े. JNM नर्सिंग की एलिजिबिलिटी बोथ आर्ट्स अमदी साइंस से की बनी. Experience led by faculty senior state of the art labda hands on training period institution me akupamaro bidamak 9395405659 da contact to below isme bahut sare factors hain aur logo ka jo matdan jis party ke upar jis party ke chinh ke upar gaya hai usko leke hame bhi izzat karna hai और लोगों का विश्वास और भी कमाने के लिए हमें और भी प्रयास करना है जी. तो अभी नेक्स्ट स्टेप, अभी यहाँ से निकलने के बाद आपकी पार्टी की ओर से चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बहुत सालों से हमारे ज़िला में काम करते आई है और हमारे प्रदेश में भी, देश में भी. और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम हमेशा हमारे अरुणाचल के लोगों के लिए, हमारे भारत देश के निवासियों के लिए हम अच्छा ही काम करते आएँ और हम काम करते जाएंगे, और ये मेरा वादा है आप सबसे. लास्ट बट नॉट लीस्ट, लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपकी पार्टी को सपोर्ट किया? हाँ जी, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आपने हमारे पार्टी के प्रति विश्वास जताया. और मैं खुश भी हूँ कि अगर आप देखेंगे हमारा वोट शेयर पूरा ज़िला में, अगर आप देखेंगे तो हमारा वोट शेयर बहुत हाई है. और जिस बहुमत से हमने जीता है, तीनों कैंडिडेट ने जो जीता है यहाँ पे, बहुत भारी मतदान से जीता है. ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तीन कंस्टिट्यूएंसीज में, और एक कंस्टिट्यूएंसी बहुत क्लोज फाइट था और उसमें भी मैंने आशा की थी कि हमारा ही विधायक वहाँ जीतेगा, लेकिन चलिए उसमें कुछ हमें और चिंता करना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट के लिए हम फिर हमेशा तैयारी रहते हैं और हमारा तैयारी जारी रहेगा. धन्यवाद, थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन टू यू, एंड देन व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू योर सपोर्टर्स ऑन दिस विन? थैंक यू. मैं सभी लकंग वासियों को और जितना जो लोग लकंग के लिए सोच के हमको मोरे लिए सपोर्ट दिया था, मैं इन सभी को हम धन्यवाद देता है. सर, यहाँ का एक हम लोग का अरुणाचल का इलेक्शन था, इट्स वेरी विंडिक्टिव इन नेचर. जो जीत जाता है वो हारने वाला पार्टी को देखता नहीं है. सो आपका ये आपका अप्रोच कैसे रहेगा टू योर ओपोनेंट? कहाँ का हम लोग का अरुणाचल का सर, ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो पूरी विंडिक्टिव हो, सारा पोर्टी लकंग वो मेरा ही होगा. So any message you want to send to your opponent supporters? नहीं, सबको बोला है कि ऐसे अपना आपको कमजोरी फील मत कीजिए. खेल में तो हार जीत होता ही है, जो भी है अच्छा के लिए होता है. सब मिलके लखनऊ को बनाना है बस. और सर, ये आपका टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगा? वो जो हम काम करना चाहिए, आप लोग तो बहुत देखा होगा मेरा कैंपेनिंग में ना, तो आप लोग उसको रिवाइन करके दीजिए हमको. जो लखनऊ लोग जो काम करने के लिए अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, हमने मांगा था, हमको अभी दिया है, वो हम जरूर करेगा. और सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आपका सपोर्टर्स मैक्सिमम यूथ रहा है, सो व्हाट इज योर दिस थिंग, यूथ को लेके आपका क्या विजन? मेरे यूथ को लेके, लखनऊ का यूथ को लेके उसका विजन हम आगे ही रख चुका है. वो आप लोग थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके पहले का वीडियो को देख लीजिएगा ना. सबसे पहले सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या कहना चाहूँगा? मैं सबसे पहले तो मीडिया दोस्तों, आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा. मौसम आज हालांकि ठीक नहीं है, बारिश है, फिर भी आप सब कवर कर रहे हैं नामसाई का जो चुनावी माहौल है. और मैं अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक व्यक्ति, हर एक नारी, हर एक पुरुष, एक युवा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबका आशीर्वाद के चलते तीसरी बार मैं नामसाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना जा रहा हूँ. और आने वाले दिनों में, आने वाले ये 5 सालों में सबके साथ मिल के नामसाई कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही नहीं, मेरा अपने यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो अनकॉन्टेस्ट हुआ है, उनके साथ और लेकांग के जो भी विधायक अभी जीतेंगे उनके साथ हम नामसाई डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छी मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे, उन्नति को गति देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे.
बस यही कहना है, बहुत बहुत जो आपका सपोर्टर है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा फॉलोवर्स को तो मैं क्या कह सकता हूँ, उनको धन्यवाद ही दे सकता हूँ। उनका आशीर्वाद, उनका जो लगन मेहनत रंग लाया है, आज फिर से 5 साल काम करने के लिए जो हमारे जो हमारे जो पब्लिक है, हमारे लीडर्स ने मुझे जो मौका दिया, इससे बड़ा बात नहीं हो सकता। मैं उनका जो भी आशा है, उनका जो आने वाला दिनों में वो जो चाहेंगे, खास करके मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए काम करूंगा, यही कहना। सर, ये यंग जनरेशन के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अभी जैसे कि आप फिलहाल में बहुत ऐसा आ रहा है कि मीडिया में कि ड्रग्स को लेके अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए बहुत ये सब विषय में काफ़ी चर्चा हो रही है, तो सर आप ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है। देखिए, युवा पीढ़ी पूरे भारतवर्ष के ऑलमोस्ट 60% हम लोग युवा हैं, और बीजेपी सरकार का, नरेंद्र मोदी साहब का, अमित शाह जी का, हमारे युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब का, बहुत ही अनुभवी नेता चाउना मेन साहब का, जितना भी प्रोग्राम पॉलिसीज़ है वो युवाओं को, महिलाओं को लेके ही है। और हम लोग इस बार जब काम करने वाले हैं वो थोड़ा अलग हटके करेंगे। हम लोग टारगेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। अभी देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमने देखा है कि हमारे महिलाएँ आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम हुआ है। अभी हम युवा पीढ़ी, जो मेल यूथ, जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं एंटरप्रेनर्स, उनको हम लोग गति देंगे उनको आगे आने के लिए। अभी मैंने देखा है, अभी जो 1 महीना दिन में छुट्टी में था तो मैं यूट्यूब में देखा कि अदर पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में, वहाँ के जो यूथ बॉयज़ हैं वो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए पोल्ट्री है, लाइफ स्टॉक रियरिंग है, उस सेक्टर में वो लोग जा रहे हैं। तो हमारा जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, हजारों स्कीम है जिससे हम समूह बना बना के गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही मेन टारगेट रहेगा, ताकि ड्रग्स के और वो ना मुड़े और अपना उज्जवल भविष्य के लिए चिंता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपेक्ट क्या था? मैं एक्सपेक्ट ऐसे किया था, हम 10,000 से ज़्यादा मिलेगा सोचा था जी, लेकिन थोड़ा कम मिला है। बिकॉज आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन पीपल, आई हैव बीन सर्विंग एज मच एज पॉसिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल। 60 पंचायत ऑफ एस टी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एंड लॉन्गिंग डिस्ट्रिक्ट एस ए होल। अभी जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं मिला है, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर पीपल एंड वी गिव ग्लोरिफिकेशन टू गॉड फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन एंड सक्सेस गिवन टू अस। अच्छा हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, अनकॉन्टेस्ट जाने का बात था, लेकिन कॉन्टेस्ट क्या है, हमारा भाई लोग वो तो अनकॉन्टेस्ट में जाना था नियम से, लेकिन ऐसे कॉन्टेस्ट किया है, जितना तो था ही, बिकॉज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर ट्रस्टेबल। जैसे मैंने सेवा, मैं जैसे सेवा करता हूँ, हमारा जनता भी तो हमको ऐसे वोट देते हैं। आपका विजन क्या है सर, अभी आप क्या सोच रहे हैं? अभी विजन इस बार से हम लोग सस्टेनेबल लाइवलीहुड में जाएगा, कोई भी फंड जो गवर्नमेंट का जो भी कोई कुछ जो कुछ भी फंड मिलेगा तो 50% सस्टेनेबल लाइवलीहुड में यूज़ करेगा, 50% रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करेगा, सो डेट एवरी हाउस होल ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड एल्ला से लॉन्गिंग डिस्ट्रिक्ट ऐसे होल हाउस होल में सबका इनकम होना चाहिए। जब इनकम होगा तो इकोनॉमी के लिए हम लोग आगे बढ़ सकें। वैसे विधायक तो बन गया सर, अभी आप मिनिस्ट्री का क्या प्लानिंग है? मिनिस्ट्री का तो सीएम साहब का हाथ में है, भगवान का हाथ में है और सीएम साहब का हाथ में है। आई हैव बीन ए मिनिस्टर, तो मिनिस्टर तो रहेगा होगा, वो तो सीएम साहब डिसाइड करेगा। हमारा जीत नहीं है, ये जनता का जीत है। जनता ने पहले से फैसला करके रखा था दोबारा लाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये पैसा रुपया ज़्यादा खेल दिया कोई, हाँ थोड़ा सा बदमाशी कर दिया, इसलिए कम मार्जिन में आया है। लेकिन ये जीत, ये पब्लिक का जीत है। पब्लिक को चाहिए डेवलपमेंट, पब्लिक को चाहिए अच्छा एक ट्रस्ट, एक विश्वास, एक लीडर, इसलिए पब्लिक ने चुना है, इलेक्ट किया है। इसमें मेरा कोई मैंने ये नहीं है, रोल ज़्यादा नहीं है, पब्लिक का ये है। तो अभी हम पब्लिक का एक्सपेक्टेशन तक आने के लिए हम कोशिश करना पड़ेगा। आई विल सी दैट ये लॉन्गिंग को पब्लिक ने जितना एक्सपेक्ट किया है उतना हम फेस लिफ्ट करेगा। आई एम वेरी थैंकफुल
टू ऑल द पीपल है मेरा इतना लॉन्गडिंग घुमा कॉन्स्टिट्यूंसी का और टाउन ज्वेलर्स यहाँ पे कनुबरी पंचोवा का सभी बहुत लोग है कम से कम 1000 जैसे रहे तो उनको भी सबको मिला के मैं वेरी वेरी थैंक यू कि ये इलेक्शन के बाद में लड़ झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो लोग जीता वो भी ज़्यादा खुशी नहीं होने से ठीक है और जो हारा वो भी ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए। बस ये समाज के लिए सब मिलके काम करना है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये कोई माने लड़ाई झगड़ा करने का लड़ने का चीज़ भी नहीं है। ये डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है, बस सबको काम करना है, मिलके काम करना है। जीतने के बाद में तो सब मिलके काम करना है, इसमें ओपोजिशन रूलिंग ज़्यादा ये सब खेलना भी नहीं चाहिए। मिलके सब काम करना है, सब एक ही बाँचो है, एक ही परिवार है, एक सेम फैमिली है, सबको जगाना है, सबको उठाना है, सबको प्रमोट करना है। इसलिए पीस मेंटेन रखना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टी वर्कर्स, बीजेपी वर्कर्स, एनपीपी वर्कर्स और सीनियर सिटीजन, आप लोग मने अभी समाज में लड़ झगड़ा नहीं होना चाहिए। लास्ट नाइट भी हमने ये मैसेज दे चुका था क्योंकि तो छोटा मोटा में कि खेल में मने तुतु में करके लड़ झगड़ा होता है तो ये समाज का बदनाम होता है। मैं स्पेशली हमारा 58 कानोबारी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितना भी हमारा पब्लिक है सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। अभी तो और भी जिम्मेदारी मेरा बढ़ा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट को लेकर के, उनका फ्यूचर को लेकर के, हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान्स लेकर के हमें आगे जाना है, सोसाइटी को सर्व करना है, गांव हमारा डेवलप कराना है। हमारा बहुत सेक्टर्स है जहाँ पर काम करना बाकी है। मेरा सपना जो 5 साल में कभी ख़त्म नहीं होता है, तो आगे हमें समय और मिला है तो मैं जल्दी ही मैं फिर हरकत में आ जाऊंगा और आशा करता हूं कि 58 कानोबारी कॉन्स्टिट्यूंसी को, हमारा लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने के लिए हम कोशिश करेंगे।